टीवीएस का नया शोरूम अब आपके फलासिया में। भव्य शुभारंभ, कमलेश्वर टीवीएस, नवरात्रि, धनतेरसवा, दीपावली की बुकिंग शुरू, आज ही आए। कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा, कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड, फलासिया। संपर्क करें 9256499328 पर। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पहले मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में, चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेज देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूंकि लोहिया ही रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूँ तो भी वही आते थे, तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, भाई इतने परसेंट हों, जैसे नौकरियों में हो गया उस तरह से, और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी, भी तुम इन पेशों में आओ। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम, दलित वर्ग को भी नहीं मालूम। आपने थोड़ा, मतलब मैंने तो थोड़ा सा छुआ है, बट एक्चुअली किसी को नहीं मालूम, पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई वो भी उन्हीं के हाथ में है। तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जैसे आपने पुलवामा की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, अदानी की बात की, बस लाउड स्पीकर मोदी जी लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता।